गरुड़ पुराण, मार्कंडेय पुराण तथा कठोपनिषद में मृत्यु के बाद की स्थिति का उल्लेख किया गया है। इनमें बताया गया है कि जीव धरती पर जो करता है उसका फल उसे ऊपर मिलता है। पतित से दान लेने पर ब्राह्मण गधे की योनि में जाता है। पति का यज्ञ कराने वाला द्विज नरक से लौटने पर कीड़ा होता है। अपने गुरु के साथ छल करने पर उसे कुत्ते की योनि में जन्म लेना पड़ता है तथा गुरु की पत्नी और उनके धन का मन ही मन लेने की इच्छा करने पर भी उसे निस्संदेह यही दंड मिलता है। माता पिता का अपमान करने वाला मनुष्य उनके प्रति कटु वचन कहने से मैना की योनि में जन्म लेता है। भाई की स्त्री का अपमान करने वाला कबूतर होता है और उसे पीड़ा देने वाले मनुष्य कछुए की योनि में जन्म लेता है। जो मालिक का अन्न तो खाता है किंतु उसका अभिष्ट साधन नहीं करता वह मोहाक्षण मनुष्य मरने के बाद बानर होता है। धरोहर हड़पने वाला मनुष्य नरक से लौटने पर कीड़ा होता है और दूसरों का दोष देखने वाला पुरुष नरक से निकल कर राक्षस होता है। विश्वासघाती मनुष्य को मछली की योनि में जन्म लेनी पड़ती है। जो मनुष्य अज्ञानवश धान, जौ, तिल, उड़द, कुल्थी, सरसों, चना, मटर, कलमी, धान, मूंग, गेहूं, तीसी तथा दूसरे अनाजों की चोरी करता है वह नेवले के समान बड़े मुँह का चूहा होता है। प्रायः स्त्री के साथ संभोग करने से मनुष्य भयंकर भेड़िया होता है। उसके बाद क्रमशः कुत्ता, सियार, बगुला, गिद्ध, सांप तथा कौवे की योनि में जन्म लेता है। जो खोटी बुद्धि वाला पापी मनुष्य अपने भाई की स्त्री के साथ बलात्कार करता है वह नरक से लौटने पर कोयल होता है। जो पापी काम के अधीन होकर मित्र तथा राजा की पत्नी के साथ सहवास करता है वह सुअर होता है। यज्ञ दान और विवाह में विघ्न डालने वाला तथा कन्या का दोबारा दान करने वाला पुरुष कीड़ा होता है। जो देवता, पितर और ब्राह्मणों को दिए बिना ही अन्न भोजन करता है वह नरक से निकलने पर कौवा होता है। जो पिता के समान पूजनीय बड़ा भाई का अपमान करता है वह नरक से निकलने पर क्रौंच पक्षी की योनि में जन्म लेता है। ब्राह्मण की स्त्री के साथ सहवास करने वाला शूद्र भी कीड़े की योनि में जन्म लेता है। यदि उसने ब्राह्मण के गर्भ से संतान उत्पन्न कर दिया तो वह काठ के भीतर रहने वाला कीड़ा होता है। उसके बाद क्रमशः सुअर, कृमि, विष्ठा का कीड़ा और चांडाल होता है। जो मनुष्य अकृतज्ञ एवं कृतघ्न होता है वह नरक से निकलने पर कृमि, कीट, पतंग, बिच्छू, मछली, कौवा, कछुआ, चंडाल होता है। शस्त्रहीन पुरुष की हत्या करने वाला मनुष्य गधा होता है। स्त्री और बालकों की हत्या करने वाले का कीड़े की योनि में जन्म होता है। भोजन की चोरी करने से मक्खी की योनि में जाना पड़ता है। उसमें जो भी भोजन विशेष भेद है उसे चुराने पृथक पृथक फल सुनिए। साधारण अन्न चुराने वाला मनुष्य नरक से छूटने पर बिल्ली की योनि में जन्म लेता है। तिल चूर्ण मिश्रित अन्न का अपहरण करने से मनुष्य को चूहे की योनि में जाना पड़ता है। घी चुराने वाला नेवला होता है। नमक की चोरी करने पर जलकाग और जो दही चुराने पर कीड़े की योनि में जन्म होता है। दूध की चोरी करने से बगुले की योनि मिलती है। जो तेल चुराता है वह तेल पीने वाला कीड़ा होता है। मधु चुराने वाला मनुष्य डांस और पुआ चुराने वाला चींटी होता है। हविष्यान्न की चोरी करने वाला बिस्तुया होता है।